के टूटने से जुड़ी भावनाओं को गहराई से प्रस्तुत करता है। इसमें जीवन के उन क्षणों की बात की गई है जिन्हें समय रहते हुए महसूस करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही जल्दी बिदनाक होते हैं और इन पलों में समय का महत्व समझा जाता है। ये गीत इन भावनाओं को गहराई से व्यक्त करता है कि जब किसी अपने से दूर होना पड़े, एक पल ठहर कर उसे बिछड़ने की पीड़ा और रिश्तों की अहमियत को महसूस करना चाहिए। ये गाना बेक्यू और बेलू अपनी मासूमियत के साथ जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए अड़िग रहते हैं। उनकी ये जिजीविषा जीवन की ओर उमंग की ओर सग्र करने की शक्ति फिल्म की एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो बताता है कि बच्चों में भी वो ताकत होती है अपनी किस्मत बदलने की। फिल्म में गरीब का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। दिन आता है इसी तरह आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। ये दिखाया गया है कि कैसे गरीब बच्चों को समाज में भेदभाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पास भी आत्मसम्मान और मेहनत से अपने जीवन सुधारने की क्षमता होती है। इतना बड़ा सफर दुनिया का, एक दोता एक मुस्काता है, एक दोता एक मुस्काता है। बूट पॉलिश फिल्म एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि परिस्थितियां शायद जितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और आत्मसम्मान के साथ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। फिल्म गरीबी और बच्चों को संघर्षों को उजागर करती है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि अगर दृढ़ता और आत्मविश्वास हो तो हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। फिल्म का मुख्य संदेश यह है कि भिक्षु मांगने या दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय मेहनत करके आत्मसम्मान से जीना चाहिए। जॉन काका का बच्चों से कहना कि भीख मांगने से अच्छा है मेहनत करो, इस विचार को दर्शाता है। बच्चे बूट पॉलिश करना शुरू करते हैं, जो उनके आत्मनिर्भर बनने और आत्मसम्मान से जीने की इच्छा को दर्शाता है। भिक्षु और बेलू अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करते है, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। फिल्म दिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां तो आती है, लेकिन मेहनत और शग्र से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। हर रात के बाद एक नया दिन आता है, और यह फिल्म का एक मुख्य संदेश है। इंसानियत और दूसरों के प्रति सहानुभूति का भी संदेश देती है। जॉन काका जैसे पात्र दिखाते हैं कि कठिन समय में किसी मदद कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। फिल्म में हमें सिखाती है कि समाज को एकजुट होकर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।